performance hai yaar. This is the performance of the season. You don't even know ki tumne kya gaya hai. पहले तो मुझे तुम्हारे साथ ये एक गाना गाना है, यही सुर में अभी राइट नाउ. अरे धुआं चालू करो यार. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा. ओ, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा. तुम देना साथ मेरा वो हम नवा. Outstanding. Thank you so much, Devasmita. Historic, super, fantastic, incredible, ultimate, epic. Jai Mata Di, let's rock! Yeah. गाने का जब पिक्चराइजेशन हुआ था फिल्म जुर्म में, उसमें मेन पार्ट मेल का था और छोटा सा एक अंतरा फीमेल का था. लेकिन आपने जब इसे गाया तो मुझे लगा कि पूरा गाना फीमेल ही होना चाहिए था. देवो, इतना खूबसूरत गाया, इतना खूबसूरत गाया कि आपने मौसम बदल दिया. उनकी याद दिला दी तुमने मुझे. कौन कौन हो सकता है? अपने सनी पाजी. सनी जी के साथ मैंने मेनली तीन फिल्मों में काम किया है और तीनों आइकॉनिक हिस्टोरिक फिल्में. दामिनी, घायल और तीसरी फिल्म थी घातक. घातक घातक के लिए कुछ भी मत बोलना. मुझे एक शिकायत है. क्या शिकायत है मैम? शिकायत है दामिनी फिल्म के राइटर डायरेक्टर से. ओ, ओ। नाम मेरा दामिनी था जी. डायलॉग्स कौन से याद रह गए फिल्म के? सनी पाजी के. सनी पाजी के जी. अभी वो डायलॉग मुझे देते थे तो मैं नहीं कर सकती थी तारीख में तारीख. अरे हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ देखने में विश्वास करते हैं. मजा आने वाला है. मिलोड 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 तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई मिलोड. लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला. वो कौन कैसे भूल सकते हैं जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना. आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. मीनाक्षी जी के लिए तालियां. क्या डायलॉग्स बोले. अब रूपम जी. कम ऑन रूपम. जीऊंगी
चार के दिल को छू गई हैं आप, वो इतने इमोशनल हो गए हैं रूपम। गजब, क्या परफॉर्मर अंतरे से जो तुमने गाया है रूपम। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे। ओ, तुम्हारा हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है, तुम्हारी टोनल क्वालिटी इस गाने को जो सूट करती थी, क्या बात है। मैं लाइव पहली बार आपको देख रही हूँ, सुन रही हूँ। आपका जो अंदाज है, आपकी जो पकड़ है संगीत के ऊपर, वो सब समझ में आया इस गाने में। ये भी समझ में आया कि आप कितने जज्बात के साथ गा सकती हैं, और ये सब बातें जब पावर पैक्ड आती हैं, यू नो, ऐसा लगा कि एक एक लहर सी इस तरफ आई और मुझे उसने एकदम एनवलप कर दिया। थैंक यू। रूपम, आप ने मौसम बदल दिया। बहुत अच्छे। मेरे को पूछना है कुछ। यस नेहू। मैम, कभी कभी ऐसा फील होता है, यू नो, ऑल दिस स्टारडम एंड एवरीथिंग, इट गेट्स इनटू योर हेड, और कभी लगता है कि सब छोड़ दे क्या सब, मतलब बहुत, यू नो, और ऐसा फेज एक आपकी लाइफ में आया था जब आप यू वर किलिंग इट, उस टाइम पे आपने डिसाइड किया कि आप यू वर गोइंग टू शिफ्ट, है ना, यू वर मूविंग टू यूएस, यस, है ना, शादी करके, और तो वो कैसे कर पाई आप ये? सबसे पहले फिल्मों से मैं बहुत खुश थी, फिल्म वाले मुझसे बहुत खुश थे, ये सही बात है, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग ह्यूमंस हैं और हमेशा हम अपने हमारे जोड़ी की तलाश में रहते हैं। Exactly. और अचानक मुझे ऐसे मन में लगा कि मेरे जीवन में कौन आने वाला है, वो कहाँ है। अमेरिका गई तो मुझे वो शख्स मिल गया। मम्मी ने कहा, तुम शादी करके अमेरिका जाओगी, ये सब छोड़ दोगी, इंडिया छोड़ दोगी। तो मैंने कहा, शायद आर्ट मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मैं किसी और फॉर्म में फॉलो कर लूँगी, लेकिन ये इंसान मेरे जीवन में शायद फिर नहीं आए। डिसीजन मुश्किल था, एक साल लगा मुझे सोचने के लिए, फिर मैंने फिल्में खत्म की और चल पड़ी। वाओ, मोहब्बत की राह पे। थैंक यू मीनाक्षी जी। चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट, द नेक्स्ट बिग थिंग, ऋषि सिंह। तुमको देखा है सनम, क्या कहें, कितने हैं बेचैन,
जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन, जब से तुमको चाहा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। नजर ने किया ऐसा जादू, ना होश है ना है दिल पे मेरे काबू, हाँ पहली नजर ने किया ऐसा जादू, ना होश है ना है दिल पे मेरे काबू, ये सोच के घबराऊं आशिक ना बन जाऊं, जब से तुमको मांगा है सनम, नींद है ना मुझे कहीं चैन, जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.